जुड़ते ही कुछ लिख दिया कि साहब ऑस्ट्रेलिया में गोते लगा रहा था, मुझे भूगोल की खाड़ी भी मिली है? चलो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले थोड़ा ये ध्यान रखिए, रोजाना गुड इवनिंग नहीं करते हैं और मैं बार बार मना करता हूँ। आज एक सेशन रख लिया इसलिए मैंने आज से गुड इवनिंग कर लिया, बाकी एक बार ही सबसे किया जाता है, क्योंकि गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग रोजाना की स्थिति नहीं है और ऑनलाइन में संभव भी नहीं है। ऑनलाइन में कोई विद्यार्थी 5:15 बजे जुड़ता है, कोई 5:30 जुड़ता है, फिर वो बोलेगा ऑनलाइन के अंदर 5:30 बजे, फिर वो गुड इवनिंग कहेगा, तो उस समय कहना संभव नहीं है क्लासों के बीच में। आज का एक जनरल सेशन भी रखा है, मैंने कई बार आपके बीच में चर्चा भी की थी, जब कॉलेज एजुकेशन स्कूल के बाद जब विद्यार्थी जाता है 12th पास करके जाता है, जब कॉलेज एजुकेशन की शुरुआत होती है उसको फ्रीडम होता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है, क्यों घर से भी दूर चला जाता है। हमारे टाइम के दौर के अंदर स्थितियां ये थी कि घर से काफ़ी दूर 60-70 किलोमीटर दूर जाके कॉलेज था, और उस नए शहर में जाके हमने भी कॉलेज एजुकेशन की शुरुआत की। और जो पहले ही जब फर्स्ट ईयर में गए तो उस समय आपके सामने मेरे जो बॉस बैठे हैं ये उस समय मेरे से सीनियर थे और शुरुआत में इन्हीं से हमारा परिचय रहा। फर्क इतना था कि ये अगली सीढ़ी पे थे, मैं पीछे वाली सीढ़ी पे था, लेकिन इनकी उंगली को छोड़ा नहीं मैंने, इनकी उंगली पकड़े रखी और साथ साथ चलते गए। और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अलवर आर्ट्स कॉलेज बाबू शोभाराम कला एवं विधि महाविद्यालय में, और ये बड़ी गर्व की बात है कि मैं ऐसी शख्सियत के अधीन रहा कि जिन्होंने मेरे को इतने मुकाम तक भी पहुंचाया है। क्या कि ग्रामीण क्षेत्र से जब आप जाते हो शहर में थोड़ी अलग चीज़ें रहती हैं, और ख़ास बात है कि मेरे बॉस डॉक्टर रितेश अग्रवाल जी मूल रूप से सिटी से थे, तो हमारी थोड़ी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, ये शहरी थे मैं ग्रामीण था। और ख़ास रूप में जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय हमने साथ ही शुरू किया था, तो जो शहर का विद्यार्थी था वो बॉस को पसंद करता था और ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी था वो मेरे को पसंद करता था, क्योंकि मेरी जो बोलने की जो स्पीड थी वो थोड़ी धीमी थी, ग्रामीण क्षेत्र से थी, बॉस की स्पीड तेज थी, और शहरी विद्यार्थी सामान्यतः ये मानते थोड़ा तेज तर्रार रहते हैं। भाई प्राइवेट पब्लिक स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में एक फर्क है, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा टाई टूई बेल्ट बूट लगा के कस उसके रहता है, हैं, तो दिखने में उसका डेकोरम अलग होता है। तो बॉस पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए थे, और जो बहुत सी जो शहर की चीज़ें थी जो मेरे को भी जानकारी नहीं थी, मैं एक दिन कह रहा था आपसे कि मेरे को कभी बार में भी जाना हुआ तो बार में भी गए तो किसी साथी के साथ गए, जयपुर से पहले कभी गए ही नहीं, कोई मित्र साथी थे उनके माध्यम से पहुंचे, देखा कि वहाँ कुछ अलग स्थितियाँ थी, हैं, तो ये पता चलता है कि जब साथ में जाते हैं तभी सीखी जाती हैं चीज़ें, किस रूप में कहाँ क्या स्थितियाँ चलती हैं। तो आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच मैं आज बॉस को आमंत्रित करता हूँ, और ये आपको ऐसा मूल मंत्र बताएं कि जिस तरीके से चाहे सफल है, सफल अलग शब्द हैं लेकिन जीवन में अपन सफल हों। डॉक्टर रितेश अग्रवाल आमंत्रित करता हूँ आपकी पुनः ज़ोरदार तालियों के बीच, और मैं इनकी शख्सियत के सामने बहुत छोटा हूँ, वास्तव में जितने धीर गंभीर हैं जिन्होंने जिस तरीके से मुकाम को हासिल किया है, और साथ में जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको भी इतना सराहा है, निश्चित रूप से इनकी जो प्रतिभा की स्थिति है उसके सामने मेरे कोई मायने नहीं है। तो मैं आपकी तालियों के बीच ही बॉस को माइक देता हूँ। गुड इवनिंग। अब बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी कुलदीप जी ने। देखिए ये इनका बड़प्पन है, बाकी इन्होंने सीखा नहीं सीखा, मैंने इनसे बहुत सीखा है, छोटे थे लेकिन बहुत सीखा, और शायद आप लोगों को भी सीखना चाहिए। हाँ, नहीं सीखोगे तो आप कामयाब नहीं होगे, और मैं तो
कृष्ण जी से ही बहुत कुछ सीखता हूँ, कई बार आता हूँ, डेडिकेटेड हमेशा, और हमेशा बच्चों के बारे में अच्छा सोचना, सर का मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अच्छा, सर के लिए ताली होनी चाहिए सबसे पहले। देखिए ये कोई फ्रस्ट्रेशन का विषय है नहीं कि कोई ग्रामीण है शहरी है, जीवन में बुद्धि काम आती है ना। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपने सबसे अच्छा मार्गदर्शक पकड़ा भूगोल के लिए, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक। दूसरे बधाई के पात्र ये हो आप कि आप वैकेंसी आई नहीं है और आप कोचिंग ले रहे हैं, इसके आप बधाई के पात्र हैं कि राइट टाइम आप मतलब कोचिंग कर रहे हैं। लोग आप कोचिंग कब करते हैं, जब वैकेंसी है, फिर भगते हैं कोचिंग में। कुलदीप सर कहेंगे जगह नहीं है, फिर भी सर ले लो, साइड में बैठ जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे। वो टाइम क्या होता है, आपके सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, होता है कि नहीं होता। तो सर ने कहा कि कुछ बच्चों से चर्चा करो, तो सबसे पहली चर्चा, बहुत अच्छी बात है आप लोग यहाँ कोचिंग कर रहे हो, अपने उद्देश्य के लिए सजग हो, सजग हो तभी आप यहाँ पे हो, है ना, बहुत अच्छी बात है, ये आपका प्लस पॉइंट है। भूगोल में पढ़ते हैं जल और थल का क्या स्वभाव होता है, जल का स्वभाव क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और रेत या स्थल। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, 95% बच्चे रेत होते हैं, स्थल होते हैं, मात्र 5% बच्चे ही क्या होते हैं, जल होते हैं। जोश में खरगोश और कछुए की कहानी सुनिए ना, मैं हमेशा, खरगोश सबसे ज्यादा है इस दुनिया में, कछुए बहुत कम है, और जो कछुए होते हैं ना वो सफल हो जाते हैं, कुछ एक दो खरगोशों का तुक्का लग जाता है। अब देखिए मैं बच्चों के टच में भी रहता हूँ, सर के संपर्क में भी रहता हूँ, बच्चे फ़ोन भी करते रहते हैं। अब कोचिंग कर ली, अब गर्म हो बिल्कुल, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, अब की बार तो सर ने पढ़ा दिया, रट लिया। अभी भी जैसे कई बार सर बिजी रहते हैं, तो इनके कुछ स्टूडेंट मतलब कॉमन स्टूडेंट हैं, असफल हो गए, फ़ोन करते हैं, सर मैंने तो रजिस्टर पूरा रट लिया था सर, पूरा रजिस्टर, एक एक आम मेरे सुन लो सर, फिर नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ, क्या करें। क्या होता है, आपने बहुत जल्दी कोचिंग करी है, इसमें एक समस्या क्या है, जब तक एग्जाम होगा, जो भी डेट होगी या जब भी आरपीसी फॉर्म निकालेगी, तब तक कई लोग, आधे बच्चे तो कोई के फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की क्या प्रॉब्लम होती है, अलग अलग समस्याएं। तो पहले तो आपको दृढ़ निश्चय होना है कि गर्म नहीं होना, बिल्कुल रेत की तरह गर्म हो गए ना, अभी से सोच रहे हो मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, कछुए की तरह धीरे धीरे चलना है। सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते जाएं, ज़्यादा ज़्यादा एक काम और कर सकते हैं, एक यूनिट घर पे आप अलग से पढ़ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो पहला मेरा आपको यही सुझाव है कि गर्म नहीं हो रहा आप सोच रहे हो, और एक गलतफहमी ये भी मत रखना कि यहाँ आ गए हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थान में जयपुर में ही ज्योग्राफी की यानी कितनी कोचिंग होंगी, और वो क्लासें ऐसी भरी होंगी, जयपुर के बाद राजस्थान में भी बहुत जिले हैं, कस्बे हैं जहाँ कोचिंगें चल रही हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड में हैं, थर्ड ग्रेड में हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपका संघर्ष कम नहीं है, है संघर्ष कम। तो एक समस्या विशेषकर लड़कों के संग होती है, लड़के और लड़कियों में एक थोड़ी फितरत अलग अलग होती है, क्या होती है, लड़की 4 घंटे पढ़ेगी ना तो कहेगी आज तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अब मान लो सहेली घर पे आ जाए तो कॉपी किताब छुपा के और रख देती है कि मालूम नहीं पड़ेगा, ये स्वाभाविक गुण है। और लड़का 2 घंटे पढ़ ले, भाई आज 8 घंटे पढ़ गया है, है? है ऐसा,
मानते हो? ये एक बड़ी समस्या है ना। लड़के कहेंगे 2 घंटे पढ़ के 8 घंटे पढ़ा भाई आज है। अब ये एक बड़ी समस्या है। फिर परीक्षा हो जाती है, मान लो सपोज करो मेरे को बहुत विद्यार्थी मिलते हैं ऐसे, परीक्षा के बाहर 80 क्वेश्चन बैठ रहे हैं या 80 नंबर बैठ रहे हैं 100 में से, मतलब एक एग्जांपल ले लें, मेरे इतने बैठ रहे हैं परीक्षा के बाहर, आगे आके फिर 70 बैठ रहे हैं, 60 बैठ रहे हैं, और कुलदीप जी के पास भी बहुत फ़ोन आते होंगे, साहब इतने बैठ रहे हैं श्योर सिलेक्शन है आपकी बार। तो मेरे पास अब की यार स्कूल व्याख्याता में कई लोग संपर्क में थे, पॉलिटिकल के भी थे, इधर उधर के और भी बच्चे थे, कईयों ने तो मिठाई तक बांट दी थी कट ऑफ आई तो, कोचिंगों की कट ऑफ देख देख के, और स्वागत भी करवा लिया था एक मित्र ने, तो मैं जान दूँ उसके जो साफा फैन के फेसबुक पे फोटो डाल देता भाई, जिस दिन रिजल्ट आया फोन ही नहीं उठाया भाई, समझ लो। तो एक चीज़ मैं ये कह रहा, जो मेरा कहने का मंतव्य यह है कि हमें हल्ला नहीं करना कि हम कोचिंग कर रहे हैं, हम आस पड़ोस में रिश्तेदारी में, साहब जयपुर में कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे इतने बैठ गए इतने बैठ गए, एक नेगेटिव एनर्जी काम और करती है। आपने सुना होगा कहीं, हो सकता है साइंटिफिकली माने नहीं माने, हाई लग जाती है लोगों की। मैंने बहुत लोगों के संग देखा, होते होते जैसे रेत होती ना हाथ से निकल जाती है, कोई पॉइंट में रह जाता है, कोई कैसे रह जाता है। तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें लड़कियाँ ठीक है कि आप चुपचाप रख दिया, अंदर रख दिया, ज़्यादा शोर नहीं करना, आस पड़ोस में ज़्यादा हल्ला नहीं मचाना कि भाई आप, मतलब शांति से तैयारी करते रहें, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि देखिए लड़ाई किससे आपकी, आपस में लड़ाई है क्या आपकी, लड़ाई है किससे, खुद से है। आपको किससे लड़ना है, अपनी बुरी आदतों से लड़ना है, आपको नींद आती है तो लड़ना है, आपको मोबाइल देखने की आदत है तो उससे लड़ना है। जब मैं तैयारी करता था तो मेरे को एक बहुत बुरी आदत थी, जब भी अखबार आता था मेरे हाथ में पढ़ने लग जाता था मैं रूम पर, जब भी अखबार आता था तो मैं ऐसे पढ़ने लग जाता था, एक एक घंटा खराब हो जाता मेरा, फिर दोबारा अखबार हाथ में आ गया तो और कोई छोटी छोटी न्यूज़ पढ़ने लग जाता था। तो एक दिन मैंने यार, क्योंकि जब आदमी अकेला रहता है ना तो अपने आप से बातें करता है, और आपको करनी चाहिए, जैसे शाम को खाना खाने के बाद घूमने जाओ, अपने आप से बातें करते हैं तो अपना एवोल्यूशन होता है, और ये रेगुलर करना चाहिए आपको। मेरे को आखिर बहुत टाइम ख़राब हो जाता है यार इसमें, मैंने अखबार बंद कर दिया रूम पर, और चाय की थड़ी पर जाके ही अखबार पढ़ता था, जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो ख़राब होना था एक बार में। तो एक्चुअल में हमें सबको मालूम होती है, सबकी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, मोबाइल पर हम व्हाट्सअप देखने लग जाते हैं फेसबुक देखने लग जाते हैं, है नहीं, आप नहीं देख रहे, मैं जनरल बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, समय ख़राब हो रहा है, और देखिए परिस्थितियों का भी कोई भरोसा नहीं, परिस्थितियाँ आपका, क्योंकि ऊपर वाला है ना बहुत, वो भी है ना आपकी बहुत परीक्षा लेता है आपको, ये एक संकट तो है ही, परीक्षा पास करनी है आपको, परीक्षा से, जैसे मेरा कॉलेज का एग्जाम था, कुलदीप जी को मालूम है मेरे फादर के हार्ट पे लोड आ गया है, एग्जाम कल है एक दिन पहले, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, फादर ICU में, मैं रात को वहीं था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मेरे फादर ठीक हो गए अगले दिन, उन्होंने कहा मैं बेटा जा। तो अब 2 दिन से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता आदमी, ठीक है, लेकिन आशीष होता है उनका, लेकिन मेरा कहने का मतलब आपको नहीं मालूम आपकी परिस्थितियाँ क्या रहनी है, तो आप मेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप पेपर देने जा रहे हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, भगवान आपकी बहुत परीक्षा लेता है परीक्षा से 7 दिन पहले 10 दिन पहले घर में कोई ऐसी समस्या हो जाए, किससे जी सकते हो आप मेंटली स्ट्रांग, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं कितने दिन पहले से मेहनत, अभी आपको मालूम भी नहीं है परीक्षा कब होगी, और RPSC का रिकॉर्ड है 1-2 बार खिसका और देती है आगे, है ना, पहले पूरा गर्म हो जाते हो बिल्कुल लास्ट में, फिर एकदम से पानी गिर जाता है, परीक्षा 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन। तो हर मानसिकता के लिए आपको प्रिपेयर हो, क्योंकि आज ये सोच सकते हो बाद में नहीं, मैं आज की बातें कर रहा हूँ आपसे, इसलिए आगे की बात करूँगा तो मानसिक रूप से बहुत मजबूत हूँ और कूल रहे हैं। MS धोनी को देखा है ना, वो दूसरा बड़ा अच्छा लगता है, कुलदीप जी पढ़ाते हैं,
और याद हो रहा है, बहुत अच्छा, फील गुड। आप सस्टेन कितना कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप क्या हो रहा है, अब ये लड़कियों की आदत ज़्यादा होती है और भी लड़कों की भी होती है, जमा जमा के नोट्स, कुलदीप सर के नोट्स, लाल हरा पीला, और वो रजिस्टर किसके काम आता है भाई, कुलदीप सर के नोट्स है ना, देना, वो आपसे लोग ले जाएंगे, सारी विद्या उनके पास चल जाएगी, आप ठन ठन गोपाल मालूम पड़ा। बाद में क्या कहोगे, मेरे नोट्सों से पढ़ा है, मेरे नोट्सों से पढ़ा था, लेकिन सिलेक्शन तो उसका हो गया। तो मेरा कहना, अच्छा बनाने से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको गुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RPSC के जो सवाल आते हैं परीक्षा के अंदर वो उस लैंग्वेज में नहीं आते जिसमें कुलदीप जी पढ़ाते हैं, आते हैं क्योंकि उसका जो ब्लूप्रिंट होता है पेपर का वो कैसे होता है, कुछ सीधे क्वेश्चन आएंगे, कुछ घुमा के आएंगे, कारण निष्कर्ष के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा किस में से, उसी में से जो कुलदीप जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको गुनना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। आप क्या होता है, रटते हैं, और आप उसको समझेंगे कब और चीज़ों को कब करेंगे, टेस्ट सीरीज में जो कुलदीप जी आपके लेते हैं। अब ये एक बड़ी समस्या है, कुलदीप जी और हम पढ़ाते थे तो हम टेस्ट सीरीज लेते थे, तो जिस दिन टेस्ट लेते थे उस दिन 40-50% बच्चे गए। वही हाल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप आईना देखने से डर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कुलदीप जी वो नहीं सिखाएंगे जो आपको एक पेपर सिखा देगा, तो प्लीज़ जो प्रैक्टिस सेट जो भी सर यहाँ पे करवाते हैं ना परीक्षा, उसको जरूर दें। मैं बिल्कुल ऐसे कोई भाषणबाजी और ऐसे कोई मेरे को नहीं आते, बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं आती, मैं आप की तरह ही स्टूडेंट रहा, मैंने भी बहुत संघर्ष किए, बहुत विफलताएँ देखी, उसके अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और बच्चों को भी बहुत देखता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज नहीं छोड़नी, चाहे क्लास छूट जाए, क्लास तो आप किताब से भी कवर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस वो कोई नहीं दे सकता। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले दिया था, स्कूल लेक्चरर कोई है यहाँ? हाँ ठीक है, अच्छा जो कुछ सवाल गलत हुए वो रात को सपने में आते हैं, नहीं आते कई बार है, आते हैं ना, यार ये गलत हो गया था, अब पढ़ते हो वो, यार ये गलत हो गया था मेरा, आता है या पढ़ने में आता है जब याद आता है बहुत। अब कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे, करोगे गलती, अब उस सवाल को तो गलत नहीं करोगे, इसका मतलब क्या है, आदमी ना तो बादाम से सीखता ना क्लास लेने, गलतियों से सबसे ज्यादा सीखता है, और एक गलती आपने करी अब वो गलती दोबारा नहीं, क्योंकि सब पे कर दिया ना आपने। तो टेस्ट सीरीज में क्या करोगे, गलतियां करोगे, करोगे जितनी गलती करोगे उतने टॉपिक उतने ही सवाल आपको याद होंगे कि नहीं होंगे। बचपन में जब आग से पहली बार जले थे तो समझ में आ गया ना आग में हाथ नहीं रखना, तो ऐसे ही जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो क्या फायदा होगा, गलतियां से आदमी, आप सबसे अच्छा टीचर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, बहुत सिखाता है, क्योंकि असफलताएं सबने देखी होंगी, वो सब असफलताओं से ही सीखता है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। अब आप ये आप डिसाइड कर लो कि आपको फाइनल पेपर में फेल होना है या टेस्ट सीरीज में कम नंबर लाके सीख लो, ये ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। चलो एक बात ये हो गई, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए, अभी आपके पास टाइम बहुत है, है कुलदीप सर पढ़ा रहे हैं। मेरे को एक चीज़ की बड़ी समस्या है, बच्चे क्या करते हैं, कुलदीप सर का रजिस्टर है ना वही रामबाण समझ लेते हैं। अच्छा ये बच्चों के संग होती है, जैसे बाहर पहली बार जो कोचिंग कर रहे थे उनके संग सबसे ज़्यादा समस्या आती है। मैं भी जयपुर आया सबसे पहले और मैंने भी लाल हरे नीले पेन से RS के नोट्स बना लिए, और राजपूताना कोचिंग होती है वहाँ पढ़ते थे हम, हमने सोचा कि यार तो RS, तो मेरे भी एक सर थे, मैं ले गया सर RS की तैयारी चल रही है, मैं अपने गुरुजी को रजिस्टर दिखाने, कि हाँ ये तो ठीक है और तू मेहनत कर। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं,
और क्या है यार, इतने बड़े बड़े लोगों से पढ़ रहा हूँ मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से पढ़ रहा हूँ, और सर कह रहे हैं कि हाँ ये तो ठीक है और पढ़ना ये चीज़ देख। बाद में समझ में आया यार गुरुजी, समय लगा समझने में क्या होता है। तो एक चीज़ समझिए सर, आप लोगों को शायद पहले दिन ही मेन मेन बुक्स के नाम लिख के देते हैं कि भाई एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, ये बुक, ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, उन अभी टाइम है इसलिए कह रहा हूँ, उन टॉपिक्स को लेटे लेटे, जैसे मूल सार तो सर ने दे दिया आपको, मूल सार तो सर ने निकाल दिया निचोड़, लेकिन क्या होता है, अच्छा याददाश्त में भी एक समस्या है पढ़ने में। क्या होता है, हम इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, याद इतना ही रख पाते हैं, जब इतना पढ़ेंगे ना तो इतना याद होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। अब होता क्या है, कुलदीप सर के नोट्सों में भी तुम क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो, जितना याद करते हो ना 100 में से वो 80% ही रह जाता है, और लगता है ऐसा कि हमें 100% याद है। तो बेसिक बुक्स को, क्योंकि अभी टाइम है भाई, अगर आप 2 महीने पहले एग्जाम से पहले होता तो मैं कहता नहीं कुलदीप सर की नोट्स पढ़ो। लेकिन आज आप लेटे लेटे भी किताबों को, हाँ भाई ये टॉपिक है भूसंतुलन सिद्धांत है तो पूरा भूसंतुलन सिद्धांत किसी किताब से, चाहे सविंदर सिंह से आपने निकाल दिया। कई बार क्या होता है, पेपर सेटर जो होता है ना क्वेश्चन आसपास से दे देता है, हो सकता है कुलदीप सर ने कवर नहीं कराया हो, सर पढ़ाते हैं, कई बार पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीज़ स्लिप भी हो सकती है, लेकिन इनका तो ओहो मैं रह गया था यार, लेकिन आपका तो एक सवाल गलत हो गया, तो जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी। तो आपको बेसिक बुक्स अभी पढ़नी चाहिए साथ साथ कुलदीप सर के नोट्स के साथ, और सर के नोट्स में भी कुछ ऐड कर सकें तो ऐड करें। मतलब ये समझ लीजिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और समस्या क्या है, आज का बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत सबसे पहली नीड है, और मेहनत के साथ सततता लगातार, भाई मेरे को 3-4 घंटे पढ़ना नहीं है। आपने 12th फेल देखी है, रीस्टार्ट, उसमें भी वो स्टॉप वॉच देती है कि कितने टाइम पढ़े, कितना डिसिप्लिन होता है आदमी के जीवन में, देखा उसकी मैं कितनी कठिनाइयां आई लास्ट में भी वो करता है। और सबसे मुश्किल क्या काम होता है मालूम है, रीस्टार्ट करना, कहना बहुत आसान है रीस्टार्ट कर लो, आजकल ट्रेंड में है रीस्टार्ट, लेकिन गिर के दोबारा खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। और वो क्या करोगे आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, और मोटिवेट के कारण बहुत हो सकते हैं, मोटिवेशन का उन चीज़ों को याद किया करो हमेशा, मोटिवेशन का कारण माँ बाप हो सकते हैं, जो आपके लिए सबसे मत जीवित भगवान, अगर पृथ्वी पे कोई है तो कौन है, वो आपको इतना पढ़ा रहे हैं, आपके कर्ज हैं उनके ऊपर, अगर आपको मोटिवेशन माँ बाप से मिलती है तो माँ बाप से मोटिवेशन ले सकते हैं, रिश्तेदारों की गालियों से अगर आपको मोटिवेशन मिलता है कि ये तो नालायक है यूँ है तो वो भी मोटिवेशन है। मैं तो कहता हूँ जो जितने लोग हमारे बारे में बोलते हैं ना कुछ ऊटपटांग, उससे लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जवाब कैसे दोगे, रिजल्ट से दोगे, मोटिवेशन खुद को, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है, आपकी लड़ाई खुद से है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तूने कैसे कह दी मेरे बारे में ऐसे, नहीं बिल्कुल कूल ठीक है, और उसको याद करके खून, मतलब आप सही माने खून खोलता है बिल्कुल, जब आपको याद आता ना इसने ऐसे बोल दिया, फिर आप देखो 2 घंटे फालतू नहीं पढ़ो तो मेरा नाम बदल देना आप। लेकिन मोटिवेट लगातार करना है परीक्षा जब तक होनी है, मैं इतना बोल रहा हूँ ना फिर भी आप देखना कुछ ही बच्चों के दिमाग में रहेगी, बाकी सब ठीक है यार कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, फर्स्ट ग्रेड नहीं तो सेकंड ग्रेड सही यार, सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड, समझौता जहाँ कर लेता है ना आदमी, जिद होनी चाहिए अपने आप से, जिद मैं करूँगा करके रहूँगा। गुरुजी को देख रहे हो आप, मेरे फादर एडमिट रहे शैलवी में, तो इनके घर के पास ही शैलवी हॉस्पिटल है, तो रात को मैं इन्हीं के पास रुक जाता था रात को वहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि आईसीयू में रुकने तो देते नहीं हैं, ये मेरे पास हॉस्पिटल भी आते थे। रात को 11 बजे 11:30 बजे जब हम सोने जाते थे तो कुलदीप जी कहते बॉस यार पेपर बना लूँ, मैं इनके चेहरे की तरफ देखता रह जाता था कि यार पागल है क्या, रात को 11:30
अरे बॉस बच्चों का कल एग्जाम है, परसों है। डेडिकेशन आप देखो अपने टीचर का, ये डेडिकेशन, ये नहीं है कि भाई फीस आ रही है, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, ये इनका कमिटमेंट है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों के लिए क्या है, कमिटमेंट है कि नहीं? मेरा बच्चा आपके अंदर है कमिटमेंट, फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर के लिए है क्या कमिटमेंट? इतना कमिटमेंट है इनका, रात को 11 12 बजे भी टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं और रात को ही फोटो फेंक के कंप्यूटर वाले को भेज दी और सुबह वो टाइप हो जाएगी, जिससे शाम को क्लास लेंगे तो टेस्ट सीरीज तैयार मिलेगी। वो लड़का टाइप करके फिर इनको स्कूल में भेजेगा दिन में, और ये उसको फिर जो भी उसका होगा प्रूफ रीडिंग करके, इतनी लेबर करते सुबह सुबह। अब आप कहते हो ना सर्दी हो रही है, ये हो रही है, सर सुबह वाला बैच कितने बजे से है? 6:30 से है। कितने बजे तक होता है सर? 6:30 से 9, फिर स्कूल सीधा यहाँ से 9 बजे के बाद 5 बजे, 5 से 8, ठीक है 5 से 8। अब 6 बजे सर यहाँ आ जाते हैं। अब लेबर देखना है, मेरी बात सुनो, उठते कितने बजे होंगे? फिर इनकी वाइफ डंडा लेके तैयार रहती है, आज ये काम है, ये काम है, हैं? और मैडम वास्तव में कड़क है बिल्कुल। और नहीं मैं और कुलदीप जी स्माइल देकर पानी डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी टेस्ट सीरीज बनाना है, स्कूल में प्रिंसिपल है, वहाँ भी मेल वगैरह बहुत होती है। आप जब सरकारी नौकरी में आ जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि यार कुलदीप सर क्या करते थे यार, कैसे करते होंगे, क्योंकि आपको सरकारी कामों से पद पे बैठे हो, आप अधिकारी हो तो इतनी सारी। अब आप, मैं इसलिए बार बार कह रहा था, सीख लो इनसे कुछ, सीखो ये डेडिकेशन। और सच बताऊँ ये सरकारी नौकरी में भी है। एक बैच नहीं पढ़ाएंगे तब भी इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सुबह वाला ख़त्म करो यार, आराम करेंगे क्या, शाम को ही पढ़ा लेंगे, पैसे की कोई नहीं, लालची भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी एक रुपए की लालची नहीं है। बहुत बच्चों की मैंने अपने जीवन में देखा है मदद, फ्री चल तू आ तो सही, पढ़ तो सही, है ना, हर तरह से मदद करते हैं, किताब भी दे दी। मैं देखता हूँ अलवर वालों को, अरे मैं कमरा दिला दूंगा तू पढ़, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कहते मैं दिलाता हूँ तेरे को रूम, पढ़ा तू आ जा कोचिंग, क्या एक झील है कि नहीं मुझे करना है। और सर को मैं देखता आ रहा हूँ, ये क्लास में देख रहा हूँ ना, तो मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि यार कुलदीप जी ने, ये इनकी मेहनत है कि इतने सारे बच्चे यहाँ। तो बेटा मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में सही गुरु के पास हो। एक चीज़ विशेष रूप से फर्स्ट पेपर का, आप करंट को विशेष रूप से लगातार, आप चाहे तो अपने ना करंट के नोट्स रोज ही बनाते जाएं, रोज अपने करंट्स के नोट्स अखबार से ले लेकर, या रोज नहीं होता ना तो वीकली नोट्स बनाएं आप। फर्स्ट पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है बच्चे ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कर जाते हैं, आपको एवरेज नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तो एवरेज तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये नहीं ज्योग्राफी ज्योग्राफी में लगे रहो, थोड़ा और चीज़ों को भी। अब अच्छा अभी टाइम है, स्कूल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, अब कितने पेपर आ गए साइकोलॉजी के, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो उन पेपरों को सॉल्व करना, यू प्रैक्टिस करना, उन सब चीज़ों को करते जाए। अब ये बैच कब खत्म हो जाएगा सर? ये बैच कब तक खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा? फिर भी छः महीने फिर बाद में बच्चे आप अच्छा फिर ये बच्चे वापस आते हैं कि इस बैच में आप परमिशन देते हो या नहीं देते? अच्छा देखो क्या होता है, बैच खत्म, ये हमारा भी अनुभव रहा, जैसे मैं और कुलदीप जी पढ़ाते थे तो जो बच्चे छोड़, जिनका कोर्स कंप्लीट हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, बेटा तुम बैच में आते रहो, फीस वीस कुछ नहीं लगेगी, तुम आते रहो पढ़ते रहो, रूटीन बना रहेगा। 5-7 दिन बाद, 5-7 दिन तो वो बच्चा आता है नए बैच में, फिर वो अपना को विद्वान समझने लग जाता है, यार वही तो है यार नंबर बढ़ रहा है, फिर वो आना बंद कर देता है, उसको लगता है टाइम वेस्ट है। वो टाइम वेस्ट नहीं है, आप सुन रहे हो ना बैठ रहे हो, उससे भी आप बहुत कुछ लेके जा रहे हो, सुन रहे हो, बाहर जाके क्या करोगे? और सच में अभी भी हमारी नीचे बात हो रही थी, आप
जयपुर हो, कई बार होता है कोचिंग होगी, सब कुछ हो गया, घर चलते हैं। आपको अच्छा, कई लोगों की समस्या भी होती है, जेन्युइन समस्या होती है, उनको लगता है पेरेंट्स का रूम का किराया लगेगा, ये लगेगा, लेकिन थोड़ा कष्ट झेल जाओगे ना, गांव या घर नहीं जाओगे ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चा घर जाते हैं ना, घर जाते ही तो फिर वही समस्या। आप रूम पर जब बुरा से बुरा पढ़ते हो ना, रूम पर मेरा अनुभव है, रूम लेकर जो बच्चा रहते हैं वो बुरे से बुरा है ना, 4 घंटे रोज पढ़ लेते हैं, और रूम पर रहने वाले अधिकतम 4-5 घंटे पढ़ पाते हैं। घर पे जो रहते हैं ना, जो घर पे चले जाते हैं, वो अधिकतम 4-5 घंटे पढ़ पाते हैं। शुरू में तो करते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है ना, फिर मैं कह रहा हूँ वो जल और रेत वाली बात आ जाती है। रेत हम ज़्यादा होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं जल्दी, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है। जल बनना आसान थोड़ी है, बहुत बड़ी तपस्या है ये। आप सब लोग क्या है, आप आहुति डाल रहे हो, ये आप लोग कितनी तपस्या कर रहे हो, और बहुत सारे बच्चे रीस्टार्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या है। देखो वो एक पैरा, अब इनको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, और देखिए पढ़े हुए को बार बार पढ़ना है ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत ऐसा लगता है अरे ये वो। मेरा एक विद्यार्थी था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुलदीप जी से पढ़ा, हमसे भी पढ़ा, वो आया सर नहीं हुआ। मैंने उससे कहा यार पता नहीं यार हमारे आशीर्वाद में क्या कमी हो रही है, तू एक बार और किसी के पढ़ ले यार, पता नहीं मेरे कई बार मन में फीलिंग आती है, ऐसे गट फीलिंग आती है, तू यार पढ़ ले, तू उसके पास चल जा यार, उसके पास पढ़ के देख एक बार। वो मुश्किल से 15 दिन गया वहाँ, लेकिन उसका रिसफल रिजल्ट हुआ और उसी में हो गया उसका सिलेक्शन। तो टीचर तो ये चाहता है, क्या चाहता है मन में, कि यार आप आपका हो जाए, आप सफल हो जाएँ, ये दुआएँ हमेशा टीचर। सबसे बड़े क्या है, आपने फीस दी है वो नहीं है। जब मैं कुलदीप जी को फ़ोन करता हूँ, क्या रहा रिजल्ट, या कहते हैं बॉस इतने हो गए, जो चमक और जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, खुशी होती है चेहरे पे, वो फिर एक एक करके नाम और बताएंगे, बॉस उसका भी हो गया, उस लड़के का भी हो गया, एक एक की डिटेल। ये वही कर सकते हैं जो बच्चों से प्यार करते हैं, मैन टू मैन, ये क्वालिटी है सर। तो आपको बिल्कुल लगातार मेहनत, ठंडे दिमाग से रहना है, शोबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यार दोस्त हों तो कोई अलगाव तो करना ही पड़ेगा ना। राम अगर अयोध्या में रहते तो राम बनते क्या, श्री राम बनते क्या, राम ही रह जाते। संन्यास लिया, 14 साल रहे, और देखो आज भी दुनिया पूज रही है। त्याग बहुत बड़ी बात है, और त्याग हर कोई नहीं कर सकता, और ये त्याग आपको अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जिस जो भी आपको मोटिवेट करता हो उसके लिए करना है। और टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं, वो मैं भी बनाता था बचपन में, सोमवार को ये, 2 से 4 ये, और वो बाद में टाइम टेबल रखा रहता था, वो नहीं। ऐसा बहुत होता है ना, बचपन में हम करते थे ना कि आज से मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, सुबह इतने बजे ये विषय और इतने बजे ये विषय, और वो रखा रह जाता था। वैसा नहीं, सतत रूप से लगातार पढ़ना है, अच्छी किताबें पढ़नी है। देखिए विश्वास है ना, जैसे सर में विश्वास बहुत रखना जरूरी, बहुत जरूरी है, क्यों है ना, पत्थर है, हम भगवान मानते हैं ना, आस्था। डॉक्टर में अगर आपकी आस्था नहीं होगी ना, तो आपका इलाज फल नहीं करेगा। तो सर में विश्वास बहुत जरूरी है। आपको कोई टॉपिक अच्छा सर का लगता है, यार सर का थोड़ा खराब, तब भी विश्वास रखो, आप अपने से पढ़ लो, जरूरी थोड़ी है। यह मान लो कृष्ण जी हैं, फर्स्ट पेपर में 8 फैकल्टी आ रही है, 7 फैकल्टी आ रही है। अब यह देखो, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि 8ों की 8ों बेस्ट फैकल्टी आ सकती है क्या? हो सकता है ये अपने हिसाब से बेस्ट रखते हो, आपको नहीं लगती हो कोई बेस्ट। तो उसके लिए है ना, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है कि यार ठीक है जो पढ़ रहे हैं ना वो तो ढंग से पढ़ लो, और हम क्या अपने आपको डिस्टर्ब कर लेते हैं, यार ये बेकार पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी वाले बेकार पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बेकार पढ़ाते हैं, यार ये ठीक है, आप उसको बेकार समझ लेते हो, लेकिन वो वास्तव में बहुत अच्छा होता है, वो यहाँ खड़ा है ना, ऐसे नहीं लेके आते, उनको मालूम होता है वो अच्छा टीचर है। आप उसको सुनते रहो, ठीक है यार कोई बात नहीं, बोल के चल जाएगा, अपन पढ़ लेंगे। एक यूट्यूब के मैटर पे कम ध्यान दिया करो, आजकल बहुत सारे ब्लॉगर आ गए, कोई भी ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाता है, कुछ भी पढ़ा देता है ना, आप तुरंत कोई भी नॉलेज होती है गूगल करके देखते हो, वो आदत छोड़ दो, वो कचरा है सारा, मतलब। और ये कोरोना के बाद तो इतना कचरा आ गया, जैसे कुलदीप सर ने कोई पढ़ाया, अच्छा नहीं ये है, फिर गूगल देखेगा क्लास में बैठा बैठा साइड से, अरे यार देख सर तो ये पढ़ा रहे हैं, और देख इसमें ये आ रहा है। कुलदीप जी की सबसे बड़ी
खूबी जो मैंने इनसे सीखा इनसे, ये जब भी बैच पढ़ाते हैं ये रोज सिलेबस देखते हैं, रोज आप देखते हो, रोज सिलेबस देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक इनसे मेरा इतना है ना, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा शुरू से, तो मेरा एनसीईआरटी पे, इनका बाद में को समझ में आया एनसीईआरटी पे इतना फोकस, शानदार फोकस। मैंने बहुत टीचरों से पढ़ा भी, खूब किया, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो सर पढ़ा देते हैं ना, मैंने नहीं देखा था। मतलब आपको तो शायद कट शॉर्ट में पढ़ाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वरना सर को इतना अथाह ज्ञान है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, तो गजब की, मतलब एक एक इन्होंने मैपिंग कर रखी है हर चीज़ तुरंत, आपने देखते होंगे बहुत। तो आप बहुत गुनी जगह हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए आए हो, सही टाइम पे जाग गए हो, बस सोना नहीं है खरगोश की तरह। मेरे को बस डर, आप लोगों को सही बता रहा हूँ, आज मेरी एक बात ध्यान रखना, खरगोश की तरह सो मत जाना बीच में। अगर सो गए ना, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज मुझे नहीं मालूम फर्स्ट ग्रेड का पेपर एक साल बाद होगा, छः महीने बाद होगा, दो साल बाद होगा, डेढ़ साल बाद होगा। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और जो नई सरकार आई है, ये पेपर लीक प्रकरण और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका दबाव है, और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सही टाइम पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी जगह, चाहे दो साल बाद पेपर हो, टूटना नहीं है और अपनी एनर्जी को बनाए रखना है। ये अब हर आदमी का मैनेजमेंट अलग अलग है, आपका मैनेजमेंट अलग है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर किसी का स्वभाव क्या है, हर किसी का अलग अलग है। तो इसके बारे में आपको, फिर उसके लिए कैसे होगा, मैंने बताया ना, एक आधे घंटे घूमने चले गए आप अकेले बिना मोबाइल के, फिर आप अपने आप से करते हो कि नहीं करते, कई बार होता है हम अकेले होते हैं अपने आप से बातें करते हैं कि नहीं करते, वो बातें फिर आगे की बात, फिर आएंगे, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आज बोस आए हुए थे जयपुर, तो मैंने देखा कि क्यों नहीं उपयुक्त अवसर का लाभ ले लिया जाए। और मैं क्या है कि ज़्यादातर जितने भी बड़े साथी मित्र हैं बोस हैं, उनको यही चाहता हूँ कि उनका कुछ न कुछ ज़रूर लाभ मिलेगा आपको, और निश्चित रूप से आपने देखा भी है। और मैं आपको बता दूँ, बोस ने भी बीएड किया हुआ है, बीएड करने के बाद भी इनका कभी मन गया नहीं, क्योंकि शुरू से कॉलेज एजुकेशन की तरफ रहे थे। और मैंने बीएड भी मैंने जिद करके करवाई थी बॉस की, कि पीएचडी कर रखी थी बॉस ने, मैंने कहा कि आप बीएड भी कर लो, बीएड भी कर लिया। और उसके बाद क्या है कि कुछ बिजनेस भी ऐसा ही था, काम किए पढ़ भी नहीं पाए। और ख़ास बात थी कि उस समय 40% का दायरा नहीं था, फिर भी फर्स्ट पेपर की स्थितियाँ बॉस की ठीक थी नहीं। उसका कारण भी था कि चीज़ें तो पढ़ानी कॉलेज में थी, या विद्यार्थियों को पढ़ाना तो विषय तक ही सीमितता थी। और बाद में जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, तो उस समय मैंने बोस को कहा कि आप फ्री हो, अब बैच को मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन अब आपके लिए अवसर है। और उस समय बोस ने इतना बेहतर ढंग से मेहनत की, और उसका परिणाम आपके सामने है। और ख़ास बात माने कि कई बार जीवन में चीज़ें अपन देखते हैं कि छोटी चीज़ की तरफ गए, स्कूल लेक्चरर की तरफ गए और बने असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप सोच सकते हैं कई बार चीज़ें अपन जो चाहते हैं वो सीधे सीधे मिलती नहीं है। और मैं बार बार आपसे चर्चा करता रहता हूँ, अपने को नहीं पता अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से होगी। आप चाह रहे हो कि ग्रेड थर्ड की तैयारी करने आए, आप लेक्चरर बन गए, आप में से अभी लेक्चरर की तैयारी करें, आप में से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, तो इनका कोई जानकारी नहीं रहती है। अपना काम है अपनी मेहनत करना, और निश्चित रूप से आगे भी जब भी समय रहेगा तो मैं बोस को आमंत्रित करता रहूँगा। आप सबकी पुनः एक बार जोरदार तालियों से बोस का स्वागत, और आपके ऊपर खूब प्रेम और स्नेह रखा है।